गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुबह की शुरुआत प्रेरक प्रश्न के साथ। संत नामदेव तब बच्चे थे, एक दिन उनकी माँ ने कहा, बेटा अमुक वृक्ष की छाल उतार लाओ, दवा बनाने के लिए उसकी जरूरत है। नामदेव माँ का आदेश मिलते ही जंगल गए, चाकू से पेड़ की छाल खुरच कर उसे लेकर आने लगे। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले, उन्होंने झुककर प्रणाम किया। संत ने नामदेव के हाथों में पेड़ की छाल देखकर कहा, हरी पेड़ को क्षति पहुंचाना अधर्म है, वृक्षों में भी जीवन होता है, देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है, वैद्य जब इनकी पत्तियां तोड़ते हैं तो पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दूसरों के प्राण बचाने के लिए आपको कष्ट दे रहा हूं, यह हमारी संस्कृति का विधान है। नामदेव घर पहुंचे, उन्होंने छाल को माँ को दे दी और कमरे के एक कोने में बैठकर चाकू से अपने पैर की छाल छीनने लगे, खून बहने लगा। माँ ने देखा तो घबराते हुए पूछा, बावली यह क्या कर रहा है? उन्होंने जवाब दिया, संत जी ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है, मैं पेड़ की खाल उतार कर देख रहा हूँ, मैं पैर की खाल उतार कर देख रहा हूँ कि क्या छाल या खाल उतारने में दर्द होता है। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया, वह समझ गई कि सत्संग में आकर वह संत बन गया है। आगे चलकर संत नामदेव कड़कड़ में भगवान के दर्शन करने लगे, चींटी तक को भी क्षति ना पहुँचे, वह इसका सदैव ध्यान रखते हैं। तो संत नामदेव के ऐसे वचनों को अपने जीवन में उतारें और सदा प्रसन्न रहें। धन्यवाद।